हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। जापान की राजधानी टोक्यो के नजदीक 16 मार्च की रात आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 78 घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां एक बुलेट ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। वहीं समाचार एजेंसी AFP ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हवाले से बताया कि जापान में भूकंप के बाद करीब 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। आपको बता दें, जापान के मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। इस बार आया भूकंप सामान्य से कहीं ज़्यादा है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 मापी गई थी। रात में आए भूकंप का केंद्र टोक्यो से 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बताया गया। जानकारी के मुताबिक जापान के मौसम विभाग ने कहा है कि भूकंप का केंद्र समुद्र से 60 किलोमीटर गहराई में था। जापान के मियागी और फुकुशिमा प्रांत में भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए गए। दोनों प्रांतों में लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। फुकुशिमा में ही भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। बता दें, जापान की बुलेट ट्रेन ऑपरेटर कंपनी के मुताबिक तोहोकू में बुलेट ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। ट्रेन में उस वक्त 100 यात्री सवार थे, हालांकि उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। जापान की ईस्ट निपॉन कंपनी के मुताबिक कई एक्सप्रेसवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें ओसाकी का तोहोकू एक्सप्रेसवे, मियागी का प्रीफेक्चर और सोमा फुकुशिमा का जोबन एक्सप्रेसवे शामिल है। बता दें, जापान में भूकंप के खतरे को मापने के लिए 7 पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट ज़्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।